हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं अभी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं दिल्ली टू ज़ुरिक। और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा अपना ये डे। तो अभी हमने अपनी सारी जो सिक्योरिटी होती है, जो क्लियरेंस होती है, और अपना बोर्डिंग पास वो कलेक्ट कर लिया है और हम जा रहे हैं फ्लाइट में। तो चलिए, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और इन्जॉय कीजिए। अभी हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और हम जिस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं वो एमिरेट्स, क्योंकि इस टाइम पूरे यूरोप में सिर्फ एमिरेट्स ही फ्लाई कर रही है दिल्ली टू ज़ुरिक। और हम आई भी थे इसी फ्लाइट से, और जो हमारा टोटल टाइम है वो हमें यहाँ से ज़ुरिक पहुँचने में 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमारा स्टे भी है दुबई में। और जब हम आए थे तो हमें 15 घंटे लगे थे, बट यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम इस फ्लाइट से ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल लगा। ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, और मेरे पास हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो चना मसाला या फिर एग, और मैंने ये एग लिया है। चलिए इसे खोल के देखते हैं। देखने में तो डिलीशियस लग रहा है। वैसे भी इनका जो मैंने ब्रेकफास्ट और लंच जब हमारे थे जब भी किया था वो टेस्टी ही था। और मैंने ड्रिंक में ऑरेंज जूस लिया है, बट मुझे एग कुछ खास टेस्टी नहीं लगा खाने के बाद, बट ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको इसके स्क्रीन फीचर्स दिखाती हूँ, जिसमें इंफॉर्मेशन में आपको ये सारे मॉल्स और कहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, कहाँ से आप लगेज ले सकते हैं वो मिलेगा। और इंफॉर्मेशन पे मोस्टली यहाँ दुबई से रिलेटेड मिलेगा, क्योंकि ये फ्लाइट अभी दुबई जा रही है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन आपको SMS वगैरह मिल जाएंगे, वाईफाई। अब हम जाएंगे इंटरटेनमेंट में, आपको मूवी मिल जाएगी, मोस्टली हर वर्ल्ड की कुछ ना कुछ मूवी है। बॉलीवुड की भी दो चार मूवियाँ हैं, अच्छी हैं, दो चार नहीं ज़्यादा ही हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद म्यूज़िक भी है इसमें, बॉलीवुड के भी काफ़ी अच्छे सॉन्ग हैं इसमें। तो इस वजह से आपका इन सारी चीज़ों को देखते हुए, अगर आप इसके शौकीन हैं मूवी देखते हुए ट्रैवल करना, तो आपका अच्छा टाइम पास हो जाता है। इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं, गेम भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपकी लॉन्ग फ्लाइट है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं सारी चीज़ें। और नेक्स्ट आपको नीचे ये आपकी फ्रंट सीट पे होगा, नीचे ये छोटा सा रिमोट है, इसमें भी आप स्क्रीन पे खेल सकते हैं, और इस रिमोट कंट्रोल से भी आप वीडियो गेम वगैरह खेल सकते हैं। और ये जो छोटी सी लाइट है ये लाइटिंग के लिए है। नेक्स्ट आप जब इसे क्लिक करेंगे, और ये हमारा चार्जर पोर्टेबल है, और नीचे ये हमें लीड मिलती है उसके लिए है। और उसके बाद ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, छोटी सी डाइनिंग टेबल नहीं कह सकते, खाने के लिए, आपका सर्विंग के लिए है। और नेक्स्ट ये हमें छोटा सा गार्बेज पाउच है फ्रंट पे, और ये इसके साथ बुक है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ और इमरजेंसी रिगार्डिंग चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये सारी चीज़ें हमें जो हमारे फ्रंट पे सीट होती हैं उसमें है। ओके, तो उसके बाद आप ये, जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें म्यूज़िक भी है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, वर्ल्ड के सारे म्यूज़िक हैं, पॉप, अरेबिक,
बॉलीवुड, रशियन, ग्रीस और बुरे भी नहीं कह सकते हैं, काफ़ी अच्छे म्यूज़िक है इसमें जो कि आपका टाइम अच्छे से काट सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बैक करके आइस मैंने आपको सारा दिखा दिया है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में जाके मैं आपको ये ऊपर जो है उस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि मैंने जैसे ओपन करा तो ये वेस्ट से थोड़ा इस साइड जा रही है, मतलब तो वेस्ट में ही जा रही है। और ये हमें टाइम टू टाइम हमारा ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम हमें लगेगा, कितना हम क्रॉस कर चुके हैं, हम कौन सी सिटी के ऊपर हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जैसे कि आप देखिए अभी 6 बज रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब अभी कराची के ऊपर है, दुबई नहीं, हम कराची के ऊपर हैं इस टाइम, कराची से थोड़ा पहले। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है और इस तरीके से हमारा टाइम भी कट जाता है, क्योंकि वैसे भी फ्लाइट में ट्रैवल करना इंटरेस्टिंग होता है बट उतना ही बोरिंग भी होता है। उसके बाद मैं आपको होम में चेक करती हूँ क्या है। हाँ, ये फ्रंट की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो फ्लाइट के फ्रंट पे वेदर और जो बाहर दिखाई दे रहा है वो ये इस पर शो होता है। नेक्स्ट हमें मिलते हैं ये सॉफ्ट से ब्लैंकेट और उसके साथ हमें मिलता है ये हेडफोन जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। बट मैं ये आपको बता दूँ, हमारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, हम इन्हें साथ में नहीं ले जा सकते। और ये छोटे से पिलो, ये भी बहुत कंफर्टेबल है। तो अब हम पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट और यहाँ पर हमारा 2.5 घंटे का स्टे है। मैं आपको वीडियो बिल्कुल डिटेल में नहीं सेंड करूँगी, मतलब पोस्ट करूँगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं फ़्लाइट में सो गई थी, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम, बट हाँ अब मैंने पहले भी ट्रैवल की, मैं सिर्फ ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे वो इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी थी जितनी मुझे एमिरेट्स लगी। या तो अभी हम यहाँ पे 2.5 घंटे रुकेंगे और मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो हम पहले अपनी चेकिंग और ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है, थोड़ा सा हम घूमेंगे, उसके बाद हम अपनी लॉन्चिंग रूम में जाके बैठ जाएंगे और फ़्लाइट का वेट करेंगे, क्योंकि उस प्रोसेस में भी आपको 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंचना होता है, वहाँ पे आपकी इंक्वायरी होती है, बोर्डिंग पास चेक किए जाते हैं। और वैसे ही दुबई एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही बड़ा है, बट यहाँ आकर आपको कुछ, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे कोई ख़ास फीलिंग नहीं आई कि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आपको हिंदी बोलते हुए लोग मिल जाते हैं, इंडियंस ओनली इंडियंस नहीं होता, आई थिंक वो पाकिस्तानी, अफगानी और भी लोग होते हैं। बट यह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो वैसे मैं आपके साथ और भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और हम अपना बोर्डिंग, मतलब जो हमें जहाँ में जाना है वो भी ढूंढ पाएंगे। तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे जब हमने
इन्फॉर्मेशन ली है ट्रैवल के लिए कि हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा इंडिया में, या फिर जब हम इंडिया से वापस आ रहे थे तब भी हमें, यहाँ तक कि हमने एयरपोर्ट पे कॉल करके पूछी थी, उन्होंने भी बोला था कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, कुछ नहीं है। मे बी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक सिचुएशन हमेशा ही चेंज हो जाते हैं यूरोप में। तो बस ये कि आपको टेस्ट करवाने हैं, आपको जब तक आप बाहर हो आपको मास्क पहन के रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बट हाँ, इस वजह से हमारा जो चेकिंग, मतलब जो चेकिंग होती है बोर्डिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों का प्रोसेस बहुत ही लंबा हो गया है। इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, हर जगह आपको पेपर्स दिखाने हैं, आपको फ़्लाइट लेने से पहले, मतलब 24 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ आए थे तो हमें इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, और जब वापस जा रहे हैं तो हमें वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ा है, और वो पेपर आपको अपने साथ रखना है। या तो अब हम जा रहे हैं फ्लाइट में। वैसे आज वेदर बहुत ही सुंदर है, ये आप देख सकते हैं, और मेरी फेवरेट विंडो सीट है मेरे पास, जो कि मेरे पास आते वक्त भी थी। तो फ्लाइट अभी चल चुकी है, मुझे फ़ोन ऑफ करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। देखने में कितना सुंदर लगता है, मतलब बादलों से भी ऊपर है यहाँ। तो आप इंजॉय कीजिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आ चुका है हमारा लंच, और लंच में मैंने लिया है चिकन पास्ता, और उसके बाद है, बट सॉरी लंच मेरा बहुत ही टेस्टी था, और उससे भी टेस्टी इसके साथ का डेजर्ट इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे ऐसे ही ऊपर से देखने में कितना सुंदर लग रहा है, मतलब थोड़ा डर भी लगता है अगर आप देखते हो तो, प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो एंजॉय कीजिए। तो अब हम आ चुके हैं जो हमने एक्सिस कर लिया है, और यहाँ पर हम करेंगे अपना पासपोर्ट है, और ये यहाँ पर थोड़ी इंक्वायरी करते हैं, मतलब ये कि अगर आप इस कंट्री में रहते हो और आपको इनकी लैंग्वेज आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अदरवाइज थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। देखते हैं कितना टाइम लगता है, वैसे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप लैंग्वेज जाते हैं और आप यहाँ पर रहते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और अब हम जा रहे हैं अपना लगेज उठाने। तो हमें हमारे सारे बैग्स मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम लेंगे टिकट क्योंकि हम अपने घर बाय ट्रेन जाएंगे जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने आपके साथ ज़ूरिख एयरपोर्ट की वीडियो शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो कभी नेक्स्ट टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आपने कभी फ्लाइट से कोई एक्सपीरियंस किया है बैड या गुड, या आपने कभी एमिरेट्स से फ्लाई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय एंड चाओ।